नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे एमएलसी चुनाव के परिणामों को लेकर। इस बार हुए एमएलसी चुनाव में एनडीए और राजद के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस बार के चुनाव में बीजेपी को भले ही सबसे ज्यादा सीटें मिली हो, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार सीटों की संख्या में कमी आई है। इधर राजद का प्रदर्शन बढ़िया रहा है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी यादव के समीकरण की तारीफ की जा रही है। वहीं जदयू फिर से तीसरे नंबर पर रही, लेकिन अभी भी बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो आइए जान लेते हैं 24 सीटों में किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं। बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई हैं, तो वहीं राजद के खाते में 6 सीटें, जबकि जदयू के खाते में 5 सीटें आई हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 तो रालोसपा के खाते में 1 सीट आई है। इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी बाजी मारी तो उनके खाते में 4 सीट गई है। आइए अब एक एक करके हम देखते हैं कि कौन से जिले में, यानी कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र में किस पार्टी को कितना मत मिला है। सबसे पहले बात गोपालगंज की। गोपालगंज में कुल मतों की संख्या 3727 थी। यहाँ पे वैध मत जो यानी कि वैलिड मत हुए वो 3711, रद्द किए गए 16। यहाँ पे राजीव कुमार उर्फ गप्पू शाही जो कि भाजपा से उम्मीदवार थे उनको 1880 वोट मिले, जबकि दिलीप सिंह को जो है 1771 वोट मिले। इस हिसाब से कहें तो राजीव कुमार उर्फ गप्पू जो है जीतने में सफल रहे हैं। सिवान की बात करें तो यहाँ कुल मतों की संख्या 4617, जिसमें से वैलिड मतों की संख्या 4420 है, जबकि रद्द हुए 157। यहाँ पे विनोद कुमार जायसवाल जो कि राजद के उम्मीदवार हैं उनको 2031 मत मिले और ये जीतने में कामयाब रहे। यहाँ से जो दूसरे पोजीशन पर थे वो थे रईस खान जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे और 1366 वोट मिले। यहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार मनोज सिंह 1149 वोट लाकर तीसरे पोजीशन पर रहे। अब हम बात करते हैं सारण के। सारण में कुल मतों की संख्या 5337, जिसमें से कि वैध मतों की संख्या 5159 है, जिसमें से रद्द हो गए 168। यहाँ पे इंजीनियर सच्चिदानंद राय निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2819 वोट लाए और जीतने में सफल रहे। दूसरे स्थान पर राजद के सुधांशु रंजन रहे, इनको 1982 वोट मिले और ये दूसरे पोजीशन पे रहे हैं। अब हम बात करते हैं वैशाली की। वैशाली में कुल मतों की संख्या 4539, जिसमें से कि वैलिड मतों की संख्या 4419 है और यहाँ पे 120 वोट रद्द कर दिए गए। यहाँ से भूषण कुमार राय जो कि रालोजपा यानी कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी है उससे जो है जीतने में कामयाब रहे। इनको वोटों जो मिला है, वोट मिला है वह 2479 और यहाँ से राजद के उम्मीदवार सुबोध कुमार राय जो है 1882 वोट लाए और ये हार गए। इन्होंने कहा कि राजद में भीतरघात के कारण इन्हें जो है हार मिली है। इन्होंने अपने मीडिया में बयान जारी किया है। गया जहानाबाद अरवल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ कुल मतों की संख्या 7695, यहाँ पे वैध मत जो यानी कि वैलिड हुए वह है 7440, रद्द हो गए 255। तो ऐसे में कुमार नागेंद्र जो कि राजद के उम्मीदवार हैं वो 3795 वोट लाकर जीतने में कामयाब रहे। यहाँ से जदयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी 3267 वोट लाई, लेकिन वो हार गई। यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे लोजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार रहे, इनको 306 वोट मिले हैं। औरंगाबाद की बात कर लें तो कुल मतों की संख्या 3420, यहाँ पे 3345 वैलिड वोट थे जबकि रद्द हो गए 73। यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार दिलीप कुमार सिंह 1798 वोट लाकर जीतने में कामयाब रहे। दूसरे स्थान पर अनुज कुमार सिंह जो कि राजद के उम्मीदवार है, इनको 1514 वोट मिला। तीसरे स्थान पर अनूप कुमार ठाकुर जो कि लोजपा आर के उम्मीदवार है, ये रहे थे, इनके मात्र 22 वोट मिले। रोहतास और कैमूर इस सीट पे कुल मतों की संख्या 5949, जिसमें कि 5683 वैलिड थे, इसमें से 266 रद्द हो गए। संतोष कुमार सिंह भाजपा की तरफ से उम्मीदवार थे, इनके कुल मतों की संख्या 3052 और ये जीतने में कामयाब रहे। दूसरे स्थान पर कृष्ण कुमार सिंह जो कि राजद के उम्मीदवार थे और इनके जो है वोटों की संख्या 2368 थी। अब हम बात कर लेते हैं आरा और बक्सर की। यहाँ पे कुल मतों की संख्या 5901 है, जिसमें से कि 5648 वोट जो है वैध हुए, जबकि 253 वोट जो है वो रद्द कर दिए गए। यहाँ से राधाचरण शाह जो कि जदयू के उम्मीदवार हैं वो 3343 वोट लाकर जीतने में सफल रहे। यहाँ से राजद के उम्मीदवार अनिल सम्राट जो कि राजद को आखिरी समय में जिन्होंने टिकट दिया था वो मात्र 2305 वोट लाए और ये दूसरे पोजीशन पर रहे। तो ऐसे में राजद को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। अब हम बात करते हैं नालंदा की। नालंदा में कुल मतों की संख्या जो है वो है 3711 और यहाँ पे 3566 वोट वैध माने गए, जिसमें कि 145 वोट रद्द हो गए। यहाँ से जदयू के उम्मीदवार रीना देवी जो है 2216 मत से जीतने में कामयाब रही। राम नरेश प्रसाद जो कि लोजपा आर के उम्मीदवार थे दूसरे पोजीशन पर, इनको 748 वोट मिले। यहाँ से राजद के उम्मीदवार बीरमणि यादव तीसरे पोजीशन पर रहे हैं। नवादा की बात कर लें तो यहाँ कुल मतों की संख्या 2861 है, जिसमें से कि वैध हुए 2756, रद्द हो गए 105। तो ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार अशोक कुमार जो कि 1434 वोट लाए और वो जीतने में सफल रहे हैं।
यहाँ से राजद के प्रत्याशी श्रवण कुमार जो कि दूसरे पोजीशन पर रहे, इनको 789 वोट मिले हैं। जदयू के तीन बार के विधायक रहे सलमान राघिब जो कि 707 वोट ला पाए और इनका जो है प्रदर्शन एक तरह से कल है पार्टी में तीसरे पोजीशन पर रहे हैं ये। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर दिनेश प्रसाद सिंह जो कि जदयू के उम्मीदवार हैं, 5174 वोट मिला है इन्हें। और यहाँ पे जो दूसरे पोजीशन पर हैं शंभू कुमार राजद के उम्मीदवार हैं, मात्र 774 वोट मिला है और वो हार गए हैं। तो राजद के यहाँ पे राजद और जदयू के बीच में यहाँ पे सीधी लड़ाई थी। पूर्वी चंपारण की अगर हम बात करें तो कुल मतदाता यहाँ पे 6607 है जिसमें कि कुल वोट पड़े 6553 और इसमें से कुल वैध मत जो है वो है 5950। यहाँ से महेश्वर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2772 वोट लाकर जीतने में कामयाब रहे। यहाँ पे राजेश कुमार उर्फ बबलू देव राजद के उम्मीदवार है और इन्हें जो है 2139 वोट मिला और ये हार गए, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार के यहाँ पे जीत हुई, 633 वोटों से हार जीत का अंतर रहा। पश्चिम चंपारण की बात कर लें तो यहाँ से सौरभ कुमार जो है राजद के उम्मीदवार हैं और ये 2278 वोट मिला इन्हें और ये जीतने में कामयाब रहे। यहाँ पे अफाफ अहमद जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको मात्र 1515 मत मिला और ये दूसरे पोजीशन पर रहे, यानी कि कांग्रेस और राजद के बीच में राजद की जीत हुई है। समस्तीपुर की सीट जहाँ से डॉक्टर तरुण कुमार जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं 3368 वोट मिले वो जीतने में कामयाब रहे हैं। यहाँ पे रोमा भारती जो कि राजद की उम्मीदवार थी 1817 वोट मिले, ये दूसरे पोजीशन पर रही है। मधुबनी की बात कर लें तो यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार अंबिका गुलाब यादव जिनको कि 3498 वोट मिले और यहाँ पे जो इनकी जो है हार जीत की लड़ाई जो है वो है निर्दलीय उम्मीदवार ही सुमन महासेठ के बीच में थी। दोनों निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पे आपस में टक्कर में थे और ऐसे में जो है अंबिका गुलाब यादव जो है जीतने में कामयाब रही है। सीतामढ़ी शिवहर की सीट यहाँ से रेखा कुमारी जो कि जदयू की उम्मीदवार है 2803 वोट मिले और ये जीतने में कामयाब रही है। यहाँ पे राजद के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू खिरहर जो है मात्र 2328 वोट ला पाए और ऐसे में यहाँ पे जदयू के उम्मीदवार रेखा कुमारी को जीत मिली है। दरभंगा की सीट यहाँ से सुनील कुमार चौधरी 2032 मत लाए और ये जो है जीतने में कामयाब रहे। यहाँ पे राजद से इनकी लड़ाई थी उदय शंकर यादव जिनका कि 1855 वोट मिले और ये दूसरे पोजीशन पे रहे हैं। भागलपुर की सीट यहाँ पे कुल मतों की संख्या जो है वो 6610 है और कुल जितने वोट पड़े वो 6565 पड़े हैं। ऐसे में एक तरह से कहें वैध मतों की संख्या 6024 है जिसमें उसकी 541 मत जो है वो अवैध पाए गए। इसमें विजय कुमार सिंह जो कि जदयू के उम्मीदवार हैं 3125 वोट लाए और भाकपा यहाँ पे वाम दल का एक तरह से कहें कांटे की टक्कर थी, संजय यादव यहाँ से दूसरे पोजीशन पर रहे मात्र 2200 वोट ला पाए और ऐसे में विजय कुमार सिंह जो कि जदयू के उम्मीदवार हैं वो जीतने में कामयाब रहे हैं। अब हम बात करते हैं मुंगेर की। मुंगेर में कुल वोटों की संख्या 6089 वोट जो है यहाँ पे पड़े जिसमें कि वैध मतों की संख्या जो है वो 5723 है जिसमें कि 346 रद्द हो गए। यहाँ से राजद के अजय कुमार सिंह जीतने में कामयाब रहे, इनके वोटों की संख्या 2910 है जबकि यहाँ से संजय प्रसाद जो कि जदयू के उम्मीदवार हैं 1225 वोट लाए और ये हार गए हैं। कटिहार से अगर हम बात करें तो यहाँ कुल वोटों की संख्या 3742 है जिसमें कि 3721 वैलिड पाए गए और यहाँ पे जो है 240 रद्द हो गए हैं वोट। और यहाँ से अशोक अग्रवाल जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं 1741 वोट लाए और ये जीतने में कामयाब रहे हैं। यहाँ से राजद से कुंदन कुमार 1068 वोट पाए और ये दूसरे पोजीशन पर रहे, इन्हें हार मिला है। तो एक तरह से अब हम बात कर लें पूर्णिया की। पूर्णिया में 9319 वोट पड़े, टोटल वोटों की संख्या 9319 है जिसमें कि कुल वैलिड वोटों की संख्या जो है 9168 रही और मात्र जो है 151 वोट जो है वो रद्द हो गए। इस सीट पर अगर हम बात करें डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जो कि है भाजपा से 6943 वोट पाए और ये जीतने में कामयाब रहे। यहाँ पे राजद के उम्मीदवार हाजी अब्दुस सुबान जो कि हार गए हैं, उन्हें मात्र 5342 वोट मिले थे। बात करें सहरसा की तो कुल मतों की संख्या 7789 है और जिसमें कि 7656 जो है कुल वैध मतों की संख्या जो है 6519 है और 1067 वोट जो है वो अवैध पाए गए हैं। यहाँ पे जीते हुए उम्मीदवार का नाम अजय सिंह है, ये राजद के उम्मीदवार हैं, इन्हें 3623 वोट मिले। जो हारी उम्मीदवार है वो है नूतन सिंह, ये भाजपा के उम्मीदवार थी और इन्हें जो है 2903 वोट मिले हैं। तो इस तरह से देख लें कि पूरे 24 सीटों पर हार जीत के अगर हम आंकड़े को देखें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रही, उसके बाद आरजेडी और उसके बाद जदयू। लेकिन अगर हम सदन की ओवरऑल स्थिति को देखें तो अभी भी सबसे बड़ी पार्टी जदयू है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।